नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनीमिया यानी खून की कमी से के इलाज की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। होम्योपैथी में अनीमिया, जो कि हिंदुस्तान में लगभग 55% महिलाओं को है, यानी खून की कमी, इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। उससे पहले साथियों, यह समझ लेते हैं कि अनीमिया होता क्या है। अनीमिया साथियों खून की कमी या RBC की कमी को अनीमिया कहते हैं। RBC ब्लड का एक कॉम्पोनेंट होता है जो हीमोग्लोबिन को कैरी करता है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में ले जाती है और सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी से ला के वापस जो है वो हम उसको जो है लंग्स में ले जाती है, और इस तरह से यह ऑक्सीजन लेवल शरीर में बरकरार रखने में हेल्प करते हैं। जब RBC या हीमोग्लोबिन की कमी बॉडी में हो जाती है तो व्यक्ति को अनीमिया हो जाता है। अनीमिया साथियों कई तरह का होता है, जिसमें कि मुख्य रूप से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया यानी B12 की डेफिशिएंसी का अनीमिया होता है, उसके बाद एप्लास्टिक अनीमिया होता है, सिकल सेल अनीमिया होता है, बोन मैरो रिलेटेड अनीमिया होता है, और इस तरह तमाम तरह के क्रॉनिक डिजीज से अनीमिया हो जाता है। इस तरह तमाम तरीके से खून की कमी हो जाती है, RBC की कमी हो जाती है, और इसको हम लोग अनीमिया में क्लासिफाई कर देते हैं। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया साथियों तब होता है जब शरीर में RBC का प्रोडक्शन कम हो जाता है और एडिक्वेट प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो यह आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया तब होता है जब हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जो कि आयरन के अलावा दूसरा कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन और RBC को बनाने का, इसकी कमी हो जाती है, और फिर यह हम लोगों को विटामिन B12 या परनीशियस अनीमिया भी कहते हैं उसको रिजल्ट करता है। एप्लास्टिक अनीमिया तब होता है जब RBC ही बनने में दिक्कत आ जाती है, कमी आ जाती है, सेल्स ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं और बन कम रहे होते हैं, तो इसको एप्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। इस तरह साथियों यहाँ प्रमुख रूप से अनीमिया है। क्रॉनिक डिजीज अनीमिया तब होता है जब मलेरिया इत्यादि बीमारियाँ, इस तरह की बीमारियाँ, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, ये सब हो जाती हैं, तो उससे जो है वह इस प्रकार का अनीमिया होता है। अब साथियों, जो अनीमिया हो गया, जो मुख्य रूप से हम लोग के घर की महिलाओं में पाया जाता है, उसको दूर करने की हम आपको 5 अचूक होम्योपैथिक दवा बताते हैं जो कि बहुत कारगर हैं। पहले साथियों हम लोग आ जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पर। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में बहुत कारगर दवा है फेरमफॉस। फेरमफॉस अगर आप लेते हैं दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, फेरमफॉस 6x की एक एक टैबलेट अगर यदि हमारे घर की महिलाएं दिन में 3 बार ले लेती हैं, तो उनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया नहीं रहेगा। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में साथियों बहुत वीकनेस आ जाती है, लॉस ऑफ वाइटलिटी हो जाती है और बहुत एग्जॉशन होता है। दूसरा साथियों बहुत कारगर दवा है फेरममेट। फेरममेट साथियों उस केस में दी जाती है जब धड़कन बहुत तेज बढ़ती है। मरीज कहता है हम थोड़ा सा चले और हमारा पैल्पिटेशन यानी धड़कन बढ़ गई, यानी इतनी वीकनेस हो जाती है कि मरीज परेशान हो जाता है, तब उस रोल में, उस रूप में जो है वो हमारी यह फेरममेट दवा बहुत काम आती है और उस मरीज की रिकवरी कर देती है। तीसरी साथियों दवा है सिंकोना ऑफिसनेलिस। सिंकोना ऑफिसनेलिस तब कारगर साबित होती है, अनीमिया को तुरंत दूर करने में मदद करती है, जब आपको बॉडी से फ्लूइड्स का लॉस हो गया हो, कभी चोट लगी हो, ब्लड का लॉस हो गया हो, या चाइल्ड बर्थ के बाद महिलाओं में ब्लड का लॉस हुआ हो और अनीमिया की कमी हो गई हो, या पीरियड या मेंसेस के दौरान जो है वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनको ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो इन सारे केसेस में बहुत कारगर दवा है चाइना यानी सिंकोना ऑफिसनेलिस। इसको चाइना यानी सिंकोना ऑफिसनेलिस को आप 30 पावर में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 2-2 बूंद सीधे जुबान पर दे सकते हैं मरीज को, और उसको 15 दिन के अंदर उसको अनीमिया में कमी आने में बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। चौथी दवा साथियों इस अनीमिया से निपटने की जो कि बहुत कारगर है, वह विटामिन B12 जिस डिफिशेंसी का हमने आपसे जिक्र करा था, जिसको परनीशियस अनीमिया भी कहते हैं, उसके लिए यह दवा बहुत कारगर है।
यदि आपको विटामिन B12 की शरीर में डिफिशेंसी हो गई है और आपको जो है पर्निशियस एनीमिया हो गया है, तो उसकी कारगर दवा एसिड पिक्रेटम है। एसिड पिक्रेटम 30 अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं, तो विटामिन B12 की डिफिशेंसी का एनीमिया, जिसमें कि आपको चुभन का सेंसेशन होता है, प्रिकिंग का सेंसेशन होता है, आपकी नसों में बहुत वीकनेस आ जाती है, वह एसिड पिक 30 से तुरंत भाग जाती है और आपका विटामिन डी B12 की कमी से उत्पन्न अनीमिया को निपटने में बहुत मदद करती है। फिर साथियों, एक पांचवी स्थिति हम लोगों के उत्पन्न होती है जब मरीज कहता है अचानक बहुत वीकनेस आ गई और वजन बहुत तेज गिरने लगता है, यानी खून की कमी की वो स्थिति जिसमें वेट बहुत तेज लॉस होने लगे। इस स्थिति में साथियों बहुत ही कारगर दवा है नेट्रम्यूर 30। अगर आप नेट्रम्यूर 30 दिन में 3 बार एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम ले लेते हैं, तो आपका जो इमिशिएशन यानी लॉस ऑफ वेट अकम्पनीड विद एनीमिया हो रहा है, वजन घट रहा है एनीमिया के साथ, वह पूरी तरह से दूर हो जाएगा। इसके बाद साथियों एक हम आपको जनरल दवा बताते हैं, ये बोनस दवा है इस प्रसारण की, वह लेसाइथिनिनम 3x। लेसाइथिनिनम 3x इतनी कारगर दवा है जो 4 दिन के अंदर within 4 days RBC के प्रीकर्सर स्टेज जो रेटिकुलोसाइट होती है, रेटिकुलोसाइट से RBC बनता है, 4 दिन के अंदर यह जो है RBC की जो प्री स्टेज होती है रेटिकुलोसाइट फॉर्मेशन, उसको इनिशिएट कर देता है, यानी 8 दिन के अंदर यह आपकी खून की कमी पूरी कर देता है। तो साथियों यदि आपको खून की बहुत तेज कमी हो रही है और किसी तरह से आपका अनीमिया दूर नहीं हो रहा है, तो आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। लेसाइनिनम 3x बहुत ही कारगर दवा है तुरंत आपके RBC बढ़ाने की। ये साथियों 5 या हम कह लें 6 बेहतरीन दवाएं थीं जो आपके अनीमिया को दूर कर सकती हैं, आपके खून की कमी को दूर कर सकती हैं। और इन दवाओं की बात यह है, ये अलग से कोई सप्लीमेंट नहीं है, ये आपके बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है और आपको कुदरती रूप से स्वस्थ कर देती है। ये साथियों हम लोग का एक छोटा सा प्रयास था कि आपके सामने हम सारी दवाएं ला सके, ताकि आप किसी चिकित्सक के पास जाएं, कहीं पर अपने को दिखाने जाएं, तो आपको पहले से कुछ जानकारी हो जिसको आप दूसरे के सामने रख सकें और इस समाज की मदद कर सकें। बाकी साथियों कोई भी दिक्कत हो तो एक बार कुशल चिकित्सक से भी संपर्क जरूर करें, यह एक मेडिकल फील्ड में बहुत आवश्यक चीज़ होती है। कोशिश होगी साथियों आपको कोई भी सवाल हो, आप हमारे 94157386 9415786380 इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप जो है वह अपना क्वेश्चन को लिख सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको संतोषजनक और तर्कपूर्ण उत्तर मिल सके, जिससे आप स्वास्थ्य का लाभ उठा सकें। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ भारत के इस मिशन में आपके इस प्रोग्राम में साथ रहने, इसको शेयर करने और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।